हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा किस टॉपिक पे आज वीडियो है अपनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेल इंडिया रूट को अपने MFDF में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल पुराना सा रूट है ये, लेकिन काफ़ी कमेंट आने के बाद मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस रूट को डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज ट्रेन सिम वेबसाइट पे आपको नहीं विजिट कराऊंगा, बिकॉज ये रूट उस वेबसाइट पे नहीं है, पहले था, अब रिमूव हो गया है। तो मैंने अपने हैंड से इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करा और उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इस वीडियो के ज़रिए आप इस रूट को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने दे रखा है। कोई किसी भी ब्राउज़र पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, वहाँ से ये लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 241 MB का टोटल ये रूट है। यहाँ पे मेरा नाम भी शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है डाउनलोड पे, फिर ये रेल इंडिया रूट .biz, अब इस पर डाउनलोड एनवे पे आप क्लिक कर दीजिए। मैं डाउनलोड नहीं करने वाला, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड है ये रूट। अब जब गाइस आपका ये डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर में भी होगी आपके, ये वो रूट है जो आपने डाउनलोड करा है। अब आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर दीजिए। अब एक्सट्रैक्ट हो गया है, ये सारी फाइल्स आ गई हैं। सबसे पहला है रेल इंडिया पासवर्ड, आप इसको अभी इग्नोर कर दीजिए। मेन हमारे ये तीन फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, मतलब रेल इंडिया ए, रेल इंडिया बी एंड रेल इंडिया सी। ये तीनों रूट के पार्ट हैं ए बी सी। अब इनको सिलेक्ट कर लीजिए और एब्स्ट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट हो गया गाइस। अब पहला रेल इंडिया ए पे क्लिक कीजिए। अब ये सारे आप देख सकते हैं फोल्डर्स आ रहे हैं, कंसीव GUI, ये है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, इसको पहले आप रीड कर लिए थोड़ा सा। अब ये गाइस सबसे पहला है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें ट्रेन अपडेट, SD40, एक्सट्रैक्ट, न्यू रोड, MFDF पैच वगैरह वगैरह, ये जो भी है। आपने मेरे वीडियो से अगर आप MFDF ट्यूटोरियल देख के आपने मेरा इंस्टॉलेशन मतलब बूट का करा होगा गेम का, तो आपके पास ये सब तो हो गई। उसके बाद दूसरा है रोलिंग स्टॉक, जो भी इस रूट के साथ एक्टिविटी होंगी उसमें जो स्टॉक यूज़ हुआ है उसका यहाँ पे सारी डिटेल है, सारे जिप नेम यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। रूट के इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये सारा स्टॉक 36 फाइल्स का डाउनलोड करना होगा। दो वेबसाइटों के नाम अलग से दिए हुए हैं, जैसे इंडियन रेल सिम। इन केस अगर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे इंस्टा पे कमेंट करके कहीं से भी मतलब जैसे भी आप चाहें मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको सेंड कर दूँगा फाइल, बाकी आप इसको इग्नोर कर दीजिए। मैं हूँ यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ इंस्टॉलेशन इसका। सबसे पहला है हमारा कंसेस रेल इंडिया ए का, इसको आप सिंपली कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जो हमारा ट्रेन सिमुलेटर है मेन, उस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन देन ट्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसिस्ट फोल्डर है हमारा, अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे रिप्लेस का मांग रहा होगा, क्योंकि मेरे में आएगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कॉपी है, मतलब यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। सेकेंड है हमारा गाइस GUI, ये मोस्टली हर रूट में आपको नहीं मिलेगा, ये रेल इंडिया रूट में, अभी आपको बता दूंगा इसका भी। पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद ट्रेन सिमुलेटर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, अब यहाँ पे देखिए GUI सेकेंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी फोर्थ नंबर पे। सबसे पहले जो आपका पहले से GUI है उसका आप बैकअप लेकर रख लें, GUI बैकअप। उसके बाद यहीं से कॉपी करके एक अलग फोल्डर में कहीं पे भी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में आप इसको रख लें इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपने रेल इंडिया का GUI है उसको कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें।
रिप्लेस का अगर मांगे तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी है, जब ही आ रहा होगा शायद। अब थर्ड है हमारा, दो हो गए, अब थर्ड है हमारा RAJ राज मेमो। ये गाइस स्टॉक है, अब इसको यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वहीं जाना है हमें, ट्रेन सिमुलेटर की डायरेक्टरी में, ओपन फाइल लोकेशन, देन ट्रेंस, देन ट्रेन सेट। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके पेस्ट है, रिप्लेस आ रहा है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है हमारा मेन जो है वो रूट रेल इंडिया, ये सारा एक्टिविटी पार्क सर्विस ट्रैफिक। अब इसको यहाँ पे आपको रेल इंडिया को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ट्रेन सिमुलेटर की डायरेक्टरी में ओपन फाइल लोकेशन, देन रूट्स। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे गाइस जब अनजिप हो जाता है रूट तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और टाइम भी लगता है, तो 5-7 मिनट लगेंगे, थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है। मेरे में रिप्लेस का आएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा रूट भी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब वहीं पे आ जाते हैं अपने रूट के फाइल्स के तरफ जो डाउनलोड करी हूँ। अब है लास्ट हमारा गाइस साउंड, इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमें जाना है वही ट्रेन सिमुलेटर की डायरेक्टरी में, ओपन फाइल लोकेशन। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा साउंड नेम, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है पेस्ट है, रिप्लेस आए तो रिप्लेस कर दीजिएगा। तो फाइनली गाइस रेल इंडिया ए जो है उसके सारे स्टेप पूरे हो गए, सारे फोल्डर इंस्टॉल हो गए। अब है हमारा सेकंड जो है वो है रेल इंडिया बी। इसमें आपको ज़्यादा फोल्डर साइज नहीं दिखेंगी, सिर्फ ओनली टेक्सचर शो होगा। सिंपली बस इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें वहीं जाना है अपनी ट्रेन सिमुलेटर की डायरेक्टरी में। कॉपी कर लीजिए पहले इसको, राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, देन रूट्स। अब आपको यहाँ पे देखना है रेल इंडिया रूट, ये आ गया रेल इंडिया। अब इस पर क्लिक कर देना है। अब इसमें आप देखिए टेक्सचर शो हो रहा है आपको, ये है ना। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। अब ये टेक्सचर जो रूट के हैं वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। मैं स्किप कर दे रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी। अब हमारा गाइस रेल इंडिया ए भी हो गया, रेल इंडिया बी भी हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल है हमारा रेल इंडिया सी, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा रिमेनिंग लिख के आ गया यहाँ पे टेक्सचर, तो ये भी एक टेक्सचर ही है, बस इन्होंने रिनेम कर दिया, उसको नेम लिख दिया एक्स्ट्रा में। तो आपको ये फोल्डर कॉपी नहीं करना, इसके अंदर का जो जितना भी ये है टेक्सचर सारा सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। 380 आइटम्स हैं। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमें वहीं जाना है ट्रेन सिमुलेटर अपने मेन रूट की तरफ, गेम की डायरेक्टरी में, ओपन फाइल लोकेशन, उसके बाद रूट्स, देन रेल इंडिया, देन टेक्सचर्स। यहाँ पर डबल क्लिक करके पेस्ट। फाइनली गाइस अब हमारा रेल इंडिया ए बी एंड सी तीनों हो गए, लेकिन अभी रुकिए, रूट इंस्टॉल नहीं हुआ है पूरा, अभी काफ़ी स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं, अभी बताता हूँ आपको। अब हमें ओपन फाइल लोकेशन फिर से जाना है अपने रूट की डायरेक्टरी की तरफ, रूट्स, फिर रेल इंडिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा इंस्टॉल मी बैच फाइल आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है कॉपी करना इसको। अब आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक काम करने लगेगा अपना, ये सारे टेक्सचर जो भी और सब हैं रूट के फाइल्स वगैरह वो सब ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका कॉपी कर लेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पूरा यहाँ तक आने में, 5-10 मिनट लग जाएंगे, आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, प्रोसेसर पे।
मिनिमम 10 मिनट्स वो लगते हैं। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, मेरा तो ऑलरेडी है ही इंस्टॉल। तो हमारा इंस्टॉल में बैच फाइल भी हो गई और रूट की फाइल भी इंस्टॉल हो गई। अब आप जब स्टॉप इस रूट का मतलब सॉरी एक्टिविटीज़ का कर लेंगे तो ये आपको जब एक्टिविटीज़ शो होंगी तो आप प्ले नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली जो भी रूट के ऑनर ने एक्टिविटी बनाई है तो उसको उन्होंने लॉक कर रखा है, यानी पासवर्ड डाल रखा है। जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ही अनजिप नहीं होगी। मेरी ऑलरेडी अनजिप है तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखा दूँ कैसे पासवर्ड आता है। वैसे जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो पासवर्ड मांगेगा। मेरी एक्चुअली अनजिप है ऑलरेडी पहले से, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ सॉरी कैसे पासवर्ड आता है इसमें। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप स्टॉप कर लेंगे इसका डाउनलोड और इंस्टॉल तो एक्टिविटी को फिर आपको यहीं पे ऐसे आके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एकदम पासवर्ड मांगेगा। अब वो पासवर्ड आपको डालना है। अब आप सोच रहे होंगे वो पासवर्ड कैसे मिलेंगे, 16 पासवर्ड होंगे 16 एक्टिविटीज़ के। तो उसका मैंने आपको पहले से रेल इंडिया पासवर्ड्स के नाम से इस रूट के साथ जिप फाइल में दे रखा है। जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें ये मिल जाएगा, आप इसको सिंपली आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये सबसे लास्ट का काम है। ये सब जो है आप देख पा रहे हैं ये पासवर्ड्स हैं 3869010272729 calculus2.7 ये सब एक्टिविटी के गाइस पासवर्ड हैं। वन बाई वन आपको ऐसी मेंशन करके उसमें करने होंगे और अनजिप हो जाएगी आपकी सारी एक्टिविटीज। ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस ये था इंस्टॉलेशन डाउनलोड कैसे करते हैं रेल इंडिया रूट को, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको मैंने सब बता दिया। इन केस कोई भी रूट में इंस्टॉलेशन में, वैसे तो आई 100% श्योर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सिंपल एंड ईजी इंस्टॉलेशन है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोई और बड़ी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस रूट से रिलेटेड या कोई भी NFTF से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। जल्द से जल्द वहाँ आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और कमेंट भी कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और इनके फ्यूचर में जो भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए या जो भी रूट या जो भी NFTs से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं शो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली गाइस ये था वीडियो हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल रेल इंडिया रूट इन NFTs। गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।